नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु और मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। इजाब के विरोध में और आग तेज, अब तख्ता पलट की आशंका। सेना के टॉप कमांडर ने अपने परिवारों को सेफ हाउस में भेजा। पुतिन के आदेश पर असर, यूक्रेन के खिलाफ लड़ने से बचने के लिए रूस के लोग भाग रहे। जॉर्जिया बॉर्डर पर हजारों गाड़ियों की भीड़ लगी। समंदर में चीन का दखल, दूसरे देशों की समुद्री सीमा पर पकड़ रहा है मछलियां, सारे जल जीवों पर खतरा मंडरा रहा। बढ़ती तेल की कीमतों पर विदेश मंत्री ने जताई चिंता, जयशंकर बोली भारत की कमर तोड़ रही है तेल की बढ़ती महंगाई। अमेरिका के पाकिस्तान को नसीहत, चीन से कर्ज चुकाने को राहत मांगे, भारत से रिश्ते जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने विजय नायर को किया गिरफ्तार, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की है करीबी। पीएफआई के बाद आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, कांग्रेस सांसद के बाद लालू यादव बोली दोनों संगठन का काम एक जैसा, एक पर पाबंदी क्यों। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ ही 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई, दिसंबर 2016 में अब तक 59 याचिका दाखिल, 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्घाटन किया। अयोध्या को मिला लता चौक, 40 फीट ऊंची वीणा लगी, पीएम मोदी बोले राम मंदिर निर्माण से खुश थी लता दीदी। अंकिता के मर्डर के बहाने भाजपा पर तंज, केरल में राहुल बोले अंकिता इसलिए मारी गई क्योंकि उसने प्रिस्टिट्यूट बनने से किया इंकार। केंद्रीय कर्मचारी का डीए 4% बढ़ा, दिवाली से पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पेंशन को मिलेगा फायदा। कनाडा में भारत तोड़ने की साजिश, खालिस्तान के लिए 10,000 लोगों ने किया वोट, खालिस्तान दुनिया के लिए बना खतरा। देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च, टाटा ने उतारी डियोगो ईवी, कीमत 8.39 लाख। अनिल कपूर का हम शक्ल अमेरिका में मिला, कुदरत के पास इंसाफ का सांचा कटा, समान शक्ल वाले ज्यादा पैदा हो रहे। तूफानियान फ्लोरिडा में और बढ़ रहा है, 8 घंटे में पहुंचेगा, तेज हवाओं और बारिश के साथ क्यूबा में ब्लैकआउट। भोपाल में पहली बार बनी 101 दीपों की दीपमाला, सर्जिकल स्ट्राइक, झांकियां तो कहीं विराजी 18 फीट की ऊंची मूर्ति, दशहरे पर होगा 22 घंटे का भंडारा। भोपाल में बेटी की हत्या की दोषी मां को उम्र कैद, आर्थिक तंगी से परेशान, मानी घोटा था 28 दिन की बेटी का गला। यूपी बिहार के बाद ही एमपी में थैंक्स गॉड का विरोध, भोपाल कोर्ट में टीचर ने दायर की याचिका। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की टेंशन बढ़ी, दीपक हुड्डा चोट के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर, हार्दिक पांड्या भी नहीं खेलेंगे। सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनसेतु, जनसे सरोकार।